स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध हक है और मैं लेकर रहूंगा। इसी पर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तिलक को सवाल पूछा था, स्वतंत्रता यदि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है तो समानता क्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है? क्या आपके दासता से मुक्त होना हमारा जन्मसिद्ध का अधिकार नहीं है? क्या उसको आप नहीं मानेंगे? आप ही को स्वतंत्रता चाहिए, बाकी औरों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए? यह सवाल तिलक के इस घोषणा पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूछा था। 1916 में तिलक और जीना में करार हुआ, अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग में करार हुआ, जिसको लखनऊ करार कहा जाता है। और लखनऊ करार में जीना ने जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिमों को पृथक मतदार संघ, मुस्लिमों को स्वतंत्र मतदार संघ की भी मांग थी, और तिलक ने इस मांग को स्वीकार कर दिया। कितने लोग जानते हैं? और अभी ये कहा जाता है कि तिलक ने इस मांग को स्वीकार कर कांग्रेस की मान्यता दे दी पृथक मतदार संघ को, जिसका परिणाम स्वरूप आगे चलकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तिलक उस समय तिलक और जीना को बड़ा गौरवान्वित किया गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए करार हुआ, देश की अखंडता के लिए करार हुआ। परंतु कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मान्यता देकर इस स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की द्विराष्ट्र के सिद्धांत को और सिंचित कर उसकी जड़ें मजबूत करने में योगदान दिया, ऐसा अब माना जाता है। इसको भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और फिर 1924 तक आते-आते जीना का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। जीना कांग्रेस में थे, कितने लोगों को मालूम है मुझे मालूम नहीं। तिलक पर जब देशद्रोह का खटला चल रहा था, देशद्रोह के लिए उन पर केस चल रही थी, तो उनके वकील जीना थे। कितने लोगों को मालूम है मुझे मालूम नहीं। उनके वकील जीना थे। गांधी के कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारने से पहले जीना कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और बड़े ही प्रखर राष्ट्रवादी नेता माने जाते थे। परंतु कांग्रेस में गांधी आए, गांधी का नेतृत्व आगे आ गया, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व आगे आ गया, सरदार पटेल का नेतृत्व आगे आ गया, और फिर जीना को लगा कि कांग्रेस में मेरा कोई भवितव्य नहीं है, अब कांग्रेस में मुझे कोई स्थान नहीं है। धीरे 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 उनको बाजू किया गया। शायद यह भी एक कारण हो कि वह मुस्लिम लीग में चले गए और 1924 में उन्होंने मुस्लिम स्वतंत्र राष्ट्र है की बात कही। इतिहास जान लेना चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र है इसकी बात कही। 1942 के बारे में हमने देखा है, 1942 किसके लिए हम क्यों बात करते हैं? 1942 में गांधी का आंदोलन था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। 1942 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना नागपुर में की। 1942 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉइस राय के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। तो ये 1942 हमारे इतिहास में भी उतना ही महत्व का है जितना कांग्रेस के इतिहास में, देश के इतिहास में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिशों ने पूछा कि हम सत्ता किसको सौंपे, कौन आ गया आएगा सत्ता लेने के लिए। उन्होंने कहा अराजकता की स्थिति हमें चलेगी, चाहे जो भी हो हम आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, काटेंगे, आप यहां से चले जाओ। इसका अर्थ यह लगाया गया कि ब्रिटिशों के जाने को कहकर गांधी और कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम के द्विराष्ट्र सिद्धांतों को मान्यता दे दी और पाकिस्तान के निर्मिति को अपनी सहमति वक्त आप चले जाओ,
पाकिस्तान मांगने वालों को पाकिस्तान दे दिया, बचा हुआ भारत हम रख लेंगे, इस निर्णय पर गांधी पहुंचे। ऐसा उस क्विट इंडिया मूवमेंट का कहा जाता है, जब उन्होंने कहा कि अराजकता की स्थिति चलेगी, क्योस चलेगा, हम मारे मरेंगे, कटेंगे, कुछ भी करेंगे, आप नहीं चाहिए। इस प्रकार कोई निर्णय लेता है पॉलिटिक्स में, इस प्रकार की बात कोई करता है, तो इसको भी कहा गया। अब यह सारा जब हो रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, क्या हिंदुत्ववादी शक्तियाँ, हिंदुत्व की फिलॉसॉफी मानने वाली शक्तियाँ शांत थी? उनका भी पाकिस्तान का विचार मुस्लिम स्वतंत्र राष्ट्र है, धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण किए जा सकते हैं, इस प्रस्ताव को उन्होंने भी बल प्रदान किया। कैसे बल प्रदान किया? उन्होंने कहा कि हिंदू भी स्वतंत्र राष्ट्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हिंदू केवल स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, गए 10,000 साल से यहाँ हिंदू राष्ट्र है और आगे भी हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इन्होंने कहा, हिंदुत्ववादी शक्तियों ने कहा, सिर्फ मुस्लिम धर्म के आधार पर राष्ट्र की बात नहीं कर रहे थे, हिंदू भी धर्म के आधार पर राष्ट्र की बात कर रहे थे। और जब पार्टीशन हो गया, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब हम आगे के विषय लेंगे तब, परंतु पार्टीशन होने के बाद में, विभाजन होने के बाद में हिंदुत्ववादी शक्तियों ने यह मांग की, यह बड़ी चुनौती थी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, परंतु मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया, बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यह मांग की गई थी। डॉक्टर आम्बेडकर का शुक्रगुजार होना चाहिए सारे ही भारतीयों ने कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत आया, अन्यथा यह राष्ट्र शायद हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना उस समय बलवती थी। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। 1923 में बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने एक किताब लिखी हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व किताब में, वो ग्रंथ में वो लिखते हैं, ये विचारधारा है, सिर्फ किताब नहीं है, विचारधारा, उस हिंदुत्व किताब में लिखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र है, थे कई हजार सालों से हम हिंदू राष्ट्र थे, आज भी हम हिंदू राष्ट्र हैं, आगे भी हिंदू राष्ट्र ही रहेंगे। फिर सवाल राष्ट्र का जब आता है, नेशन, नेशनलिटी का सवाल आता है, राष्ट्रीयता का सवाल आता है, तो फिर हिंदी हिंदू राष्ट्र के नेशनल कौन होंगे, राष्ट्रीय कौन होंगे? तो उन्होंने दो शब्दों में व्याख्या की, हिंदू कौन होगा इसकी, दो शब्दों में व्याख्या की, बौद्ध, जैन और सिख, ध्यान से सुने, क्योंकि यह फिलॉसॉफी जो है सावरकर की, यह फिलॉसॉफी आरएसएस की फिलॉसॉफी है, यही फिलॉसॉफी आज के सत्ताधारी वर्ग की फिलॉसॉफी है, इसलिए हिंदुओं ने तो सुनना ही चाहिए, परंतु सिख, बौद्ध और जैनों ने सुनना चाहिए कि सावरकर हिंदू की व्याख्या क्या करते हैं। जिनकी पितृभू और पुण्य भू भारत है वो सारे हिंदू, और जिनकी इन दोनों में से एक भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, भारत नहीं कहते हो, जिनकी पितृभू और पुण्य भू, मैं भारत 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 कहता हूं तो मेरे मुंह में भारत ही आता है, वो हिंदुस्तान कहते थे, जिनकी पितृभू और पुण्य भू हिंदुस्तान है वह सारे हिंदू। पितृभू का मतलब जिनके बाप दादा परदादा कई पीढ़ियां इसी भूमि में पैदा हुई, उनकी पितृभू हिंदुस्तान कहलाएगा, परंतु जिनके धर्म श्रद्धा के उगम स्थल हिंदुस्तान में है वह सारे हिंदू होंगे। हिंदुओं के तो चार धाम है, उनका तो सवाल ही नहीं है। बौद्ध का श्रद्धा स्थल कहां पर है? बौद्ध का मूल श्रद्धा स्थल कहां पर है? लुम्बिनी उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज नेपाल उसको क्लेम कर रहा है, परंतु बोध गया कहां पर है? हमारे लिए किसी मक्का मदीना या सुवर्ण मंदिर से बोध गया कम थोड़ी है बौद्धों के लिए, परंतु सावरकर कहते हैं कि बौद्धों की पुण्य भू हिंदुस्तान में होने की वजह से बौद्ध हिंदू है, सिखों की पुण्य भू अमृतसर
सुवर्ण मंदिर हिंदुस्तान में होने की वजह से सिख हिंदू है, जैनों की पुण्य भूमि हिंदुस्तान में होने की वजह से जैन भी हिंदू है, यह अलग नहीं है। बचे कौन? बचे कौन? मुस्लिम और ईसाई। मुस्लिमों की पुण्य भूमि मक्का मदीना है, ईसाइयों की पुण्य भूमि बेतलेहम हो सकता है, रोम हो सकता है, चाहे जो भी हो यह हो सकता है। तो इनकी पुण्य भूमि बाहर है, इसलिए ये भारत के राष्ट्रीय नहीं हो सकते, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं बन सकते, यह विदेशी लोग हैं। इसको कहते हैं सावरकर द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र का सिद्धांत, जिसको अधिक जानने की आवश्यकता है। वह डॉक्टर बी आर आम्बेडकर लिखित थॉट्स ऑन पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़िए। यह डॉक्टर आम्बेडकर ने क्यों लिखा? क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को दोष देने से काम नहीं बनता, हिंदुत्ववादी शक्तियां भी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को उतने ही प्रखरता से रख रही थी। और इस सावरकर की संकल्पना को साकार करने के लिए 1923 सावरकर की संकल्पना, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए आरएसएस का जन्म हुआ। 23, 25। अभी 2025 आ रहा है, आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं, ध्यान रहे। तो इसलिए आरएसएस का जन्म हुआ। और 1939-40 में श्री गोलवलकर जी ने एक ग्रंथ लिखा, वह आरएसएस की विचारधारा मानी जाती है, उसका नाम है वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें वह लिखते हैं यह हिंदू राष्ट्र है, यह हजारों साल से 8-10 साल से हिंदू राष्ट्र था, अभी हम हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए ही हमारा कृत संकल्प है। और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इस प्रकार से रखी, हिंदू देश मतलब हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, हिंदू वंश, हिंदू भाषा, संस्कृत भाषा नहीं कहते, हिंदू भाषा, संस्कृत और संस्कृत से जो निर्माण हुई है सारी भाषाओं का परिवार, और हिंदू संस्कृति को मिलाकर 5 तत्वों से हिंदू राष्ट्र बनता है। इन 5 तत्वों में जो नहीं बैठते वह हमारे लिए विदेशी है, और विदेशियों को हिंदुस्तान में रहना है तो सब स्टैंडर्ड सिटीजन बन के रहना पड़ेगा। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हिंदू राष्ट्र माना जाता है, बहुसंख्यकों का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। और यदि वो सब स्टैंडर्ड सिटीजन हिंदुओं की दया के मोहताज, हिंदुओं के सिंपति पर यदि वो जिंदा नहीं रहना चाहते तो देश छोड़कर जा सकते हैं, अन्यथा दूसरे महायुद्ध में हिटलर ने जू लोगों के साथ जो बर्ताव किया वही बर्ताव हिंदू मुसलमानों के साथ करेंगे। अब द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो सिर्फ मुसलमानों ने रखा, द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो सिर्फ मुसलमानों का था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत हिंदुत्ववादी शक्तियों ने भी रखा, हिंदुत्व की फिलॉसफी मानने वाले लोगों ने भी रखा। और इसके परिणाम स्वरूप जीना और मुस्लिम लीग के अन्य नेता और डॉक्टर आम्बेडकर भी आखिर तक कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहते थे, कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहते थे, मेजोरिटेरियन पार्टी कहते थे। आम्बेडकर ने भी अनेक बार कहा कि यह मेजोरिटेरियन पक्ष है, यह पॉलिटिकल मेजोरिटी नहीं है, यह रिलीजियस मेजोरिटी है। और इसीलिए आखिर तक कांग्रेस मुसलमान कांग्रेस के हो नहीं सकते, और इसीलिए कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का पक्ष है, यह मानते हुए आज गांधी 1932 में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर में भूमि पूजन को जाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, वह बात, आज मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, वह बात, जीना कहते हैं कि बहु ये हिंदुओं की पार्टी है, हम मुस्लिम लोग हैं, हम अलग बात हैं। तो यह सारी जो बातें हो रही थी इस परिप्रेक्ष्य में
यह देखना पड़ेगा कि भारत का विभाजन हो गया, यह भारत के विभाजन का इतिहास है, यह ध्यान में रखना चाहिए। अलग अलग लोगों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, कांग्रेस ने पाकिस्तान के निर्माण में अपना अपना योगदान दिया। केवल इसके लिए मुसलमानों को दोषी नहीं माना जा सकता। यह थॉट्स ऑन पाकिस्तान के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। तो सदस्यता तो समाप्त हो गई, परंतु डॉक्टर आंबेडकर में जो भारतीय था, 1929 में डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि मैं प्रथम भारतीय हूं और अंतिमतः भी भारतीय हूं। डॉक्टर आंबेडकर के अंदर जो भारतीय था वो स्वस्थ नहीं था, उनको भारत की चिंता थी, अपने लोगों की चिंता थी ही, अपने लोगों की चिंता थी, परंतु साथ साथ भारत की चिंता थी, भारत का क्या होगा इसकी चिंता थी। और फिर ब्रिटिशों ने जब विभाजन की घोषणा की, ब्रिटिशों ने जब भारत छोड़ने की घोषणा की, तब भारत में 600 से ज़्यादा संस्थान थे, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ये सारे अब होलकर इसको बड़ौदा, ये सारे संस्थान थे। और उस समय की स्थिति ये कहती है कि एक तिहाई भूप्रदेश और एक तिहाई जनसंख्या संस्थानों में थी। यदि ब्रिटिश जाते हैं और अभी विभाजन होता है तो संस्थानों का क्या स्टेटस रहेगा, यह चिंता कांग्रेस को तो थी, यह चिंता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी थी, क्योंकि यह चिंता बढ़ाने का काम ब्रिटिशों ने किया था, यह चिंता बढ़ाने का काम ब्रिटिशों ने किया। संस्थानों का स्टेटस समझ लीजिए, महाराजा ऑफ कोल्हापुर स्वतंत्र नहीं थे, वह ब्रिटिशों के मांडलिक थे, परंतु अपना राजकाज चलाने की उनको स्वतंत्रता थी। कुछ करार के अनुसार वह ब्रिटिशों के मांडलिक होते हुए भी अपना कारोबार चला सकते थे। ऐसे सारे संस्थानों की स्थिति थी। अलग अलग संस्थानों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करार किया था और जिस करार के चलते उनके मांडलिक थे, उनके अधीन थे, फिर भी अपना कामकाज करने के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान की, करार था, करार किया गया था, जिनको जीत लिया उनसे करार किया और बाद में राजकाज का काम उनको सौंप दिया गया। इस करार के अधीन ये सारे संस्थान थे, स्वतंत्र भी नहीं थे मगर परतंत्र भी नहीं थे। जब भारत छोड़ने की बात आई तो ब्रिटिशों ने क्या किया, ब्रिटिशों ने भारत की परेशानियां बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी, उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे, संस्थानिकों से कहा, अब हम जा रहे हैं, आपके साथ हमारा जो करार हुआ था वह समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा, यहां नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, हमारे जाने के बाद करार की समाप्ति के पश्चात आपके पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, तो आप बचे हुए भारत में विलीन हो सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप चाहो तो पाकिस्तान में विलीन हो सकते हो, और तीसरा ऑप्शन आप स्वतंत्र रह सकते हो। समझ में आ रही बात, कौन से तीन ऑप्शन, आप भारत में विलीन हो सकते हो, आप पाकिस्तान में विलीन हो सकते हो, या आप स्वतंत्र रह सकते हो। बाकी छोटे छोटे संस्थानों की बात डॉक्टर आंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बड़े विस्तार से लिखी हुई है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में लिखते हैं, ये संस्थान इतने छोटे छोटे हैं कि ये संस्थानों के पास कोई संसाधन नहीं है, स्वतंत्रता घोषित कर कर ये अपने आप को जिंदा कैसे रखेंगे, इनको भारत में विलीन हुए होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। परंतु कुछ बड़े संस्थान थे जिनकी अपनी सेना थी, जिनकी अपनी पुलिस थी, ऐसे संस्थानों का चिंतित थे। डॉक्टर आंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में इच्छा व्यक्त की थी, मैंने संस्थानों की स्थिति का अध्ययन किया है, संस्थानों के समस्या का हल करने के लिए यदि देश को मेरी सेवाओं की जरूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। परंतु देश ने उनकी सेवाएं नहीं ली, क्योंकि डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं मैं तो तंबू के बाहर का हूँ,
मैं उनके तंबू में तो बैठा नहीं हूँ ना, मैं उनके तंबू के बाहर का हूँ। मेरी कितनी भी सद्भावना हो, यदि वो मेरी सेवा नहीं लेना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर आम्बेडकर ने सलाह दी थी कि मैं संस्थानों के प्रश्नों पर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, मगर नेहरू सरकार ने तब उनकी बात नहीं सुनी, परंतु वो चिंतित थे। तीन उदाहरण मैं देता हूँ जो सबसे बड़ी समस्या थी और आज भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई। पहला हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद में शासक मुस्लिम और प्रजा भी बहुतांश मुसलमान। और हैदराबाद ने, हैदराबाद कहाँ स्थित है, उसको नाभि में स्थित है कहते हैं, भारत के, भारत के नाभि में स्थित है कहते हैं, भारत के मध्य भाग में स्थित है। और हैदराबाद ने घोषणा की कि हम पाकिस्तान जाएंगे। यदि पाकिस्तान जाने की घोषणा करता है हैदराबाद, तो क्या स्थिति होती? एक पाकिस्तान कहाँ निर्माण होता? जहाँ भारत की नाभि है वहाँ पाकिस्तान निर्माण होता। यह डॉक्टर अंबेडकर की चिंता थी। हैदराबाद का उल्लेख करते हैं, मैं बाद में पढ़ूंगा हैदराबाद। दूसरा जूनागढ़ संस्थान था गुजरात में। जूनागढ़ का राजा मुसलमान, नवाब मुसलमान, प्रजा हिंदू थी। अब निर्णय कौन लेगा जूनागढ़ कहाँ जाएगा? राजा लेगा कि प्रजा लेगा? और राजा ने निर्णय लिया मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, क्या होगा? तीसरी समस्या कश्मीर की थी। राजा हिंदू, प्रजा बहुसंख्य मुसलमान। निर्णय, उन्होंने निर्णय लिया स्वतंत्र रहने का। स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत के पास दौड़ते दौड़ते आई कि मुझे बचाओ, तो उन्होंने कहा कि भाई करार करो, आर्टिकल 370 वहां से उठ जाए। आर्टिकल 370 कहाँ से आया? जिसको बड़े मोदी जी गौरव से कहते हैं कि हमने इसको समाप्त कर दिया, परंतु मोदी जी इसको समाप्त करते समय संविधान सभा ने कश्मीरियों को जो वचन दिया था उस वचन का पालन नहीं किया आपने। समाप्त करना उनकी सहमति से होना था, आपने उनकी सहमति न लेते हुए, आपका बहुमत है जिसको पांचवी बहुमत कहा जाता है उसके भरोसे आपने कर लिया। किया अच्छा या बुरा इस पर मैं बात नहीं करूंगा, परंतु संविधान सभा में जो कश्मीरियों को वचन दिया गया था उस वचन का पालन आपने नहीं किया, आप अच्छे सुपुत्र नहीं साबित हुए, आप अच्छे सुपुत्र नहीं साबित। तो इन संस्थानों के प्रश्नों पर डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहते हैं? 4 जून 1947 को डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, टाइमली वार्निंग टू बोथ इंडियन स्टेट्स एंड इंटरिम गवर्नमेंट। डॉक्टर आम्बेडकर, उस समय अंतरिम सरकार थी, शासन भारत के पास था परंतु परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी, उसको हम कहेंगे इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट को और सारे संस्थानों को डॉक्टर आम्बेडकर समय पर एक चेतावनी देना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं। और वो चेतावनी इस प्रकार से है, स्टेट्स कैनॉट हैव एन एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ से अलग संस्थानों का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस प्रकार के स्वतंत्र अस्तित्व की संभावना ही नहीं है, उनको भारत में ही विलीन होना पड़ेगा। क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर संस्थानों को और अंतरिम सरकार को? आप घोषित कीजिए कि संस्थान, अभी आपके पास सरकार है, सत्ता है, शासन है, बहुमत है, संविधान सभा में खुद को सार्वभौम घोषित किया है, आप घोषित कीजिए कि किसी भी संस्थान का स्वतंत्र अस्तित्व हम मान्य नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ड्रॉज अटेंशन टू द मोर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द मिनेस ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के संकट की ओर, हैदराबाद की कठिनतम समस्या की ओर, दुखद समस्या की ओर डॉक्टर आम्बेडकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो हैदराबाद, वो कहते हैं कि भारत के मध्य में स्थित है, भारत की नाभि में स्थित है, और हैदराबाद के निज़ाम ने कहा है कि हम डेमोक्रेसी को नहीं मानने वाले हैं, हम पाकिस्तान भी जा सकते हैं, हम स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति क्या होगी? भारत के अंतरिम सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए और घोषित करना चाहिए कि कोई भी संस्थान स्वतंत्र नहीं रहेगा, उसको भारत में विलीन होगा, विलीन। आगे कहते हैं, द इंडियन स्टेट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर?
कोई भी संस्थान जो भारत के भूमि पे स्थित है वह भारत का अभिन्न अंग है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। द यूनियन कैनॉट परमिट देम टू एग्जिस्ट विद इन इट एज आइलैंड ऑफ आइसोलेशन, एक अलग थलग द्वीप के तौर पर, एक अलग थलग आइलैंड के तौर पर, एक अलग थलग बेट के तौर पर भारत का संघ राज्य कभी भी उनके अस्तित्व में रहने को मान्यता नहीं दे सकता। दिस इज डॉक्टर अम्बेडकर, यह है डॉक्टर अम्बेडकर संस्थानों के संबंध में। और फिर से 17 जून को डॉक्टर अम्बेडकर अपनी बात संस्थानों के संबंध में कहते हैं। अम्बेडकर अपील्स टू द स्टेट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, सारे ही संस्थानों को डॉक्टर अम्बेडकर अपील करते हैं कि आपने भारतीय संघ को ज्वाइन होना चाहिए। और वो कहते हैं, वॉट एवर द चॉइस ऑफ इंडियन स्टेट्स मे बी, द ड्यूटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज क्लियर। संस्थान चाहे जो भी निर्णय ले, क्योंकि संस्थानों के पास तीन ऑप्शन थे, एक भारत में विलीन होना, दो पाकिस्तान में विलीन होना, और तीसरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संस्थान चाहे जो भी निर्णय ले, मैं भारतीय हूँ और भारतीयों को बताना चाहता हूँ कि भारतीयों का निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, भारतीयों ने अपना क्लियर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यह उनका दायित्व है, यह उनका कर्तव्य है, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उन्होंने एक क्लियर निर्णय पर आना चाहिए। ऑन देयर बिहाफ द इंटरिम गवर्नमेंट शुड नोटिफाई हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज नो राइट टू पास एनी लॉ एब्रोगेटिंग पैरामाउंट सी। वो अंतरिम सरकार को कहते हैं, नेहरू जी के सरकार को कहते हैं कि आप हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, उस समय सम्राट था, आज सम्राट नहीं है, आज हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहना पड़ेगा हमको, ब्रिटेन के लिए हर मैजेस्टी गवर्नमेंट सम्राट नहीं की सरकार है, सम्राट की सरकार थी, सम्राट की सरकार को अनुरोध करना चाहिए अंतरिम सरकार ने कि वह आदेश दे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि भारतीय संघ की जो पैरामाउंट से परमाधिकार है, सबसे श्रेष्ठ अधिकार है, उसको खंडित करने के लिए कोई कानून ना बनाए। नहीं तो वो, क्योंकि उस समय अभी ब्रिटिशों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो गए थे, इसलिए पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट यह भी कह सकते थे कि संस्थानों के बारे में निर्णय लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार अभी हमारे पास सुरक्षित है। बाबा साहब आगाह करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार को आगाह करते हैं कि आप लिखिए महामहिम सम्राट के शासन को कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे संस्थानों पर हमारा जो परमाधिकार है वह समाप्त हो जाए। एंड टू डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट विल नेवर रिकॉग्नाइज एनी इंडियन स्टेट एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट। और अंतरिम सरकार ने यह घोषित करना चाहिए कि भारत की भूमि में स्थित कोई भी संस्थान अपने आप को सार्वभौम स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं कर सकेगा। उसको हम निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, करार करेंगे, परंतु भारत में विलीन होना पड़ेगा। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सर के पास यह जो डिपार्टमेंट था संस्थानों का, उस डिपार्टमेंट ने हरेक संस्थान के साथ करार किया था, हरेक संस्थान के साथ करार किया था विलीन होने से पहले, कश्मीर के साथ भी करार किया गया था जो आर्टिकल 370 है। कश्मीर के साथ भी आज कश्मीरी लोग लड़ क्यों रहे हैं, उस 370 के लिए लड़ रहे। तो यह था संस्थानों का प्रश्न, और संस्थानों के प्रश्न पर डॉक्टर अंबेडकर एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, वह जीना के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं। बड़ी मार्मिक बात कही है डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण तो हो चुका था, पाकिस्तान बनने का घोषित हो चुका था, फिर भी जीना को लग रहा था कि मैं संविधान का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, संविधान का बहुत बड़ा जानकार हूँ, इसीलिए उन्हें कायदे आजम कहा जाता है। कायदे आजम का अर्थ यह होता है कि जो संविधान का ज्ञाता है, संविधान का बहुत बड़ा विद्वान है, उसको कायदे आजम कहा जाता है। और यह कायदे आजम जीना भारत के
संघ राज्य के कामकाज कैसा चले इसके सुझाव दे रहे थे। पाकिस्तान की निर्मिति की घोषणा होने के बाद ये सुझाव दे रहे थे और अपनी तज्ञता बता रहे थे कि मैं कितना संविधान का एक्सपर्ट हूँ इसके बारे में वह बताना चाह रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर इस पर कहते हैं, मिस्टर जिना आस्क फॉर इस पाकिस्तान स्टेट एंड ही हैज गॉट इट। जिना ने पाकिस्तान मांगा, उनको तो मिल गया, अब उनको बचे हुए भारत से क्या लेना देना है? क्यों अपनी विद्वत्ता का बखान करना चाहते हैं, क्यों अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करना चाहते हैं और भारत के अंतर्गत कामकाज में क्यों हस्तक्षेप करना चाहते? आफ्टर दैट ही हैज नो मोर राइट टू स्पीक ऑन द अफेयर्स ऑफ इंडियन यूनियन। अभी उनको भारतीय संघ राज्य के कामकाज के बारे में, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बोलने का अब कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने अपना अधिकार खो दिया है। दैट हैज एनी अदर फॉरेन रूलर, जैसा किसी भी विदेशी शासक को किसी भी देश के अंतर्गत व्यवहार में बात करने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता, हमारे लिए पाकिस्तान भी विदेशी मुल्क है और यह विदेशी मुल्क के शासक बनने जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने अभी हमारे देश के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। He would be well advised if he keeps his special knowledge. उनको सलाह देते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। He would be well advised if he keeps his special knowledge for the many constitutional knots which need an unraveling in the Pakistan Constituent Assembly. पाकिस्तान की अपनी Constituent Assembly बन गई थी, बनने जा रही थी, जीना सर्वेसर्वा होने वाले थे। अपना ज्ञान, संविधान का ज्ञान व पाकिस्तान का संविधान निर्माण करने के लिए या पाकिस्तान के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जो जटिल समस्याएं उत्पन्न होने वाली है उनके समाधान के लिए जीना को मैं सलाह दूंगा कि वह ज्ञान उसके लिए सुरक्षित रखे। उन्होंने निंदा की हस्तक्षेप की, डॉक्टर अंबेडकर ने वास्तव में निंदा की और उनको कहा कि भाई आप अपना ज्ञान वहाँ के लिए सुरक्षित रखें, आपके सामने भी संविधान निर्माण के समय अनेक समस्याएं आने वाली है। और अंत में वो जिना से कहते हैं, आप भी अपने आप का एक आप एक निर्णय ले लीजिए, आप पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के सर्वसत्ताधीश बनना चाहते हैं या भारत में रहकर भारत के राष्ट्र और संविधान के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं इसका निर्णय लीजिए ना। आप पाकिस्तान के सर्वसर्वा होते हुए भारत के कामकाज में हस्तक्षेप करोगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में दखल दोगे, हमने यदि आपके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में दखल देना शुरू कर दिया आप बर्दाश्त करोगे? हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अंतिमतः सलाह देते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि जीना आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। भारत में रहना है तो फिर आपका स्वागत है, संविधान सभा में आइए, आपका स्वागत है निर्माण की प्रक्रिया में, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी हो। पाकिस्तान जाना है तो भाई हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, अपना ज्ञान वहाँ आप उपयोग में लाइए, यहाँ आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से सदस्यता समाप्त होने के पश्चात भी डॉक्टर अंबेडकर देश की चिंता कर रहे थे, देश के बारे में सोच रहे थे, संस्थानों के बारे में सोच रहे थे, पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे, जीना के बारे में भी सोच रहे थे, मगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के साथ साथ उनके समाज के सारे ही लोग चिंतित थे कि आगे क्या होगा। सदस्यता समाप्त हो गई, आगे क्या होगा, इस चिंता पर हम अगले रविवार दिनांक 17 जनवरी 2021 को माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पुनः प्रवेश, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री, मसौदा समिति के सदस्य तथा अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
यह अगले व्याख्यान का विषय होगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कैसे पहुँचे, मंत्रिमंडल में कैसे पहुँचे, मसौदा समिति में कैसे पहुँचे, उसके अध्यक्ष कैसे बने, यह सारी प्रक्रिया अगले व्याख्यान में स्पष्ट होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, साधुवाद, मंगल कामना।